सोहनपुर गांव में एक लखठारा रहता था। वह जंगल से रोज लकड़ियां लाता और उन्हें बेचकर कुछ पैसे कमा लेता था। इसी तरह उसका गुजारा चल रहा था। एक महीने बाद रामलाल की शादी हो गई। उसकी पत्नी बड़ी खर्चीली थी। अब इतनी लकड़ियों को बेचकर घर चलाना मुश्किल हो गया है। ऊपर से मेरी पत्नी कभी नए कपड़े खरीदने के लिए तो कभी दूसरी चीजों के लिए बार बार पैसे मांगती है। अब ज्यादा लकड़ियां काटकर बेचना पड़ेगा ताकि मेरी पत्नी को रोज रोज पैसों की कमी ना हो। इसलिए आज वो घने जंगल में जाता है और बहुत सारी लकड़ियां चुनकर बाजार में बेचता है। आज तो ज्यादा लकड़ियों के ज्यादा पैसे मिले हैं। अनुपमा, अनुपमा कहाँ हो तुम? हाँ आई, आज तो आप बड़े खुश लग रहे हो, क्या बात है? ये लो पैसे, आज मेरी अच्छी कमाई हुई है। यह तो बहुत अच्छी बात है। अब रोज रामलाल ऐसा ही करने लगा। आज पेड़ काटता हूँ, मेरी ज्यादा कमाई हो जाएगी। अब रामलाल हर हफ्ते एक पेड़ काटने लगा। लकड़ियां बेचकर मिलने वाले पैसों से अपनी पत्नी के शौक पूरे करता। अब अच्छी कमाई होती है तो घर भी अच्छे से चल रहा है। धीरे धीरे रामलाल ने पैसों को जुए में लगाना शुरू कर दिया। रामलाल, तू तो इतनी मोटी रकम इसमें हार गया, अब इस रकम को चुकाएगा कैसे? अब तो एक दो मोटे मोटे पेड़ काटने होंगे। रामलाल सुबह होते ही जंगल पहुंचा। जैसे ही रामलाल ने कुल्हाड़ी को एक बड़े से पेड़ पर चलाने की कोशिश की तो उस पर पेड़ की ढली गिर जाती है। मूर्ख, तू अपने लालच के चक्कर में मुझे काट रहा है। तू सारे पैसे जुए में लुटा देता है और फिर पैसे लौटाने के लिए पेड़ काटने आ जाता है। तुम कौन हो? बेवकूफ, रामलाल मैं पेड़ हूँ। तुझे पता है कि पेड़ कितने कीमती होते हैं? हमारे अंदर भी जान बसती है और हम तुम इंसानों को जीने के लिए हवा धूप में छाया और फल देते हैं, लेकिन तुम अपने स्वार्थ के लिए हमें ही काटते हो। आज तू रूख, यही कुल्हाड़ी में अब तेरे ऊपर चलाऊंगा। पेड़ की डाली रामलाल पर वार करने ही वाली थी कि वह गिड़गिड़ाने लगा। मुझसे गलती हुई है, लेकिन मुझे सुधरने का एक मौका दो। आज से मैं किसी पेड़ को नहीं काटूंगा, मैं ये प्रण लेता हूँ। ये सब सुनकर पेड़ को रामलाल के ऊपर दया आ गई। उसने रामलाल को छोड़ दिया। छूटते ही रामलाल अपने घर आता है और सब बात अपनी पत्नी को बताता है। रामलाल और अनुपमा को सब समझ आ जाता और वह पेड़ काटना हमेशा के लिए बंद कर देता। और वह लोगों, वह पेड़ की अहमियत और उसके फायदे के बारे में लोगों बताता है और वह खुद पेड़ लगाना शुरू कर देता है।